रूस पर स्वीडन ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वीडन की वायुसेना की तरफ से कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इन तस्वीरों के जरिए आरोप लगाया गया कि रूस की वायुसेना के फाइटर जेट उनकी हवाई सीमा में दाखिल हुए, जो स्वीडन की एयर स्पेस का बड़ा उल्लंघन है। स्वीडन की सेना ने कुछ तस्वीरें भी अपने दावे के साथ जारी की। तस्वीरों में चार लड़ाकू विमान दिखाई दिए, इनमें दो सुखोई 27 और दो सुखोई 24 बताए गए। रूस की वायुसेना के ये फाइटर जेट गोटलैंड नाम के एक टापू के पास तक पहुंचने की जानकारी दी गई। नक्शे पर देखें तो रूस की पश्चिमी सीमा जो बाल्टिक सागर से लगती है उसके पास एक छोटा सा टापू दिखता है, गोटलैंड। ये स्वीडन की सीमा है और रूस की सीमा से इसकी दूरी 600 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसलिए जैसे ही रूस के फाइटर जेट पहुंचने की खबर स्वीडन की वायुसेना ने दी, हड़कंप समझ गया। यूक्रेन में मची तबाही को दुनिया पहले से देख रही है, इसलिए रूस के फाइटर जेट वहां पहुंचने की खबर से ही स्वीडन में हड़कंप मच गया और वहां के लोगों को भी जंग की आहट महसूस होने लगी, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड से रूस की तनातनी पिछले कई दिनों से चल रही है। यही वजह है कि रूस की वायुसेना के फाइटर जेट का स्वीडन की सीमा में पहुंचना कोई अनजाने में हुई घटना के तौर पर नहीं देखा जा रहा, क्योंकि न तो बाल्टिक सागर में रूस की फौज का कोई अभ्यास चल रहा था और ना ही एक साथ चार फाइटर प्लेन रास्ता भटककर सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच सकते हैं। इसे साफ तौर पर रूस की सेना का आक्रामक रवैया माना जा रहा है। रूस के फाइटर जेट का स्वीडन की सीमा में पहुंचने का मतलब एक साफ संकेत देना है, और वो संकेत यह है कि रूस केवल यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं है। जो यूक्रेन में चल रहा है वो कहीं और भी हो सकता है। सीधे सीधे कहा जाए तो ये स्वीडन को रूस की चेतावनी है, और केवल स्वीडन को नहीं बल्कि स्वीडन के साथ फिनलैंड को भी, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड दोनों को ही रूस पिछले कुछ दिनों से लगातार चेतावनी दे रहा है। इन दोनों मुल्कों के साथ भी विवाद की वजह ठीक वही है जो यूक्रेन के साथ जंग की वजह बनी है, मतलब नाटो की सदस्यता। स्वीडन और फिनलैंड ने भी नाटो की सदस्यता हासिल करने के लिए आवेदन किया है। जैसे यूक्रेन में नाटो की फौज पहुंचना रूस को उसकी सुरक्षा के लिए खतरा लगता है, वैसे ही स्वीडन और फिनलैंड के साथ भी है। जैसे यूक्रेन से रूस की सीमा जुड़ी है, वैसे ही उत्तरी यूरोप के देश फिनलैंड और स्वीडन भी रूस की सीमा से जुड़ते हैं। फिनलैंड के साथ तो रूस की सीमा करीब 1300 किलोमीटर लंबी है, जबकि स्वीडन और रूस के बीच बाल्टिक सागर का एक बड़ा हिस्सा है। इसीलिए माना जा रहा है कि रूस ने अपने फाइटर जेट स्वीडन की सीमा में भेजकर एक सीधा संदेश स्वीडन और फिनलैंड दोनों को दे दिया। संदेश ये कि वो नाटो से घबराने वाला नहीं है। जब यूक्रेन में रूस की सेना पहुंच सकती है तो स्वीडन और फिनलैंड में भी पहुंच सकती है। लेकिन इस तरह की यह अकेली घटना नहीं है जो तीसरे विश्व युद्ध को हवा दे रही है। ताइवान पर चीन की सेना कब्जा करना चाहती है और चीन के फाइटर जेट ताइवान की सीमा में ठीक उसी दिन दाखिल हुए जिस दिन रूस की सेना ने यूक्रेन में ऑपरेशन शुरू किया, और माना यह जा रहा है कि इसके पीछे चीन और रूस दोनों की सोची समझी रणनीति है। लेकिन ये हालात नाटो और अमेरिका दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। समझना यह जरूरी है कि नाटो से रूस को आखिर परेशानी क्या है। तो सीधा जवाब है, नाटो का यूरोप में विस्तार जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। केवल 12 मुल्कों ने नाटो बनाया था, जिनमें अब 30 मुल्क शामिल हैं। जिन 12 मुल्कों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में नाटो बनाया था वो थे बेल्जियम, कैनेडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और अमेरिका। ये 12 मुल्क हैं जिन्होंने नाटो की जरूरत समझी और इसे बनाया। मतलब यह था कि इनमें किसी एक पर मुसीबत आई तो ये सभी मिलकर लड़ेंगे। 1955 में 3 मुल्क इसमें और जुड़ गए, ग्रीस, तुर्की और यूरोप के सबसे ताकतवर मुल्कों में एक जर्मनी। ये तीनों 1955 में नाटो का हिस्सा बन गए। लेकिन उसके बाद लंबे वक्त तक नाटो का विस्तार नहीं हुआ। 1982 में स्पेन नाटो से जुड़ा, लेकिन नाटो की कोई बड़ी हलचल नहीं हुई। और दूसरी तरफ सोवियत संघ कमजोर होता चला गया। नाटो के सामने कोई दूसरा बड़ा संगठन जिसमें कोई देश हो वो सोवियत संघ ही था, और 90 का दशक शुरू होते होते सोवियत संघ के खत्म होने का औपचारिक ऐलान भी हो गया। लेकिन नाटो का विस्तार इतना होने पर भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसे नई ऊर्जा मिल गई। 1999 में चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड, ये तीनों नाटो के सदस्य बने। तीनों यूरोप के देश हैं और तीनों ऐसे मुल्क हैं जो रूस के काफी करीब हैं। यहां पर भी विस्तार नहीं रुका। 2004 में 7 मुल्क नाटो से जुड़ गए। सातों मुल्क यूरोप के, और इनमें 6 ऐसे जो रूस के बेहद करीब हैं, बल्गेरिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। 2004 से पहले तक नाटो रूस के इतना करीब नहीं था, लेकिन यहां भी नाटो का विस्तार बंद नहीं हुआ। 2009 में अल्बेनिया और क्रोएशिया भी नाटो से जुड़ गए। 2017 में मोंटेनेग्रो को नाटो का सदस्य बना दिया गया,
जबकि 2020 तक नॉर्थ मैसेडोनिया को नेटो में शामिल किया गया। इन तीन मुल्कों को नेटो का सदस्य बनाते ही नेटो के कुल सदस्य हो गए 30। और यूरोप को ध्यान से देखो तो बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा हो गया जहां नेटो की फौज पहुंच गई। और रूस लंबे वक्त से इस पर चिंता जता रहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत पहले से यह दावा कर रहे हैं कि नेटो की फौज का यूरोप में लगातार हो रहा विस्तार यूरोप की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन उस वक्त उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। हालांकि यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि नेटो को सीधी चुनौती दुनिया को एक बार फिर विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकती है। यूरोप के कई मुल्क तो केवल इसलिए नेटो के सदस्य हैं क्योंकि उनके पास परमाणु बम नहीं है, जबकि नेटो का सदस्य बनते ही उनकी पहुंच परमाणु बमों तक हो जाती है। मतलब ये कि नेटो का विस्तार होते ही परमाणु हथियारों का भी विस्तार हो रहा है। रूस के पास केवल फौज ही नहीं पहुंच रही बल्कि परमाणु बम भी पहुंच रहे हैं। इसीलिए नेटो का विस्तार होने से रूस को खतरा महसूस हो रहा है। ऊपर से फिनलैंड और स्वीडन में चल रहा राजनीतिक घटनाक्रम आग में घी डालने का काम कर रहा है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन में आग इस बात पर ही लगी है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता है, दूसरी तरफ स्वीडन और फिनलैंड तेजी से इसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों में लोगों के बीच सर्वे करवाए जाने की खबर है, ये जानने के लिए कि नेटो का सदस्य बनने के लिए वहां की जनता की राय क्या है। ये सर्वे 23 फरवरी से 25 फरवरी के बीच करवाया गया, जबकि यूक्रेन में रूस की फौज 24 फरवरी को घुसी थी। मतलब ये कि जब जंग छिड़ चुकी थी उसके बाद लोगों की राय उनसे पूछी गई, और सर्वे में दोनों देश के आधे से ज्यादा लोगों ने नेटो की सदस्यता लेने का समर्थन किया। मतलब स्वीडन और फिनलैंड की जनता चाहती है कि नेटो का हिस्सा बना जाए, जिसके बाद वहां की सरकारों ने भी दो टूक कहा कि उनके देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने की आजादी रूस को नहीं दी जा सकती। और यूरोप के देशों में पनप रही वो भावना है जो वहां विद्रोह की वजह बन रही है, क्योंकि रूस चाहता है कि यूरोप में नेटो या अमेरिका की फौज ना पहुंचे, और यूरोप के ये देश चाहते हैं कि उनके देश में रूस की कोई दखलंदाजी ना हो। इसी खींचतान ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि यूक्रेन में लड़ी जा रही जंग में जमीन तो यूक्रेन की है लेकिन हथियार दुनिया के कई मुल्कों के हैं। पोलैंड इस लड़ाई में यूक्रेन को हथियार दे रहा है, हॉलैंड 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेज चुका है, स्वीडन सैनिक के अलावा तकनीकी मदद भी कर रहा है, फ्रांस ने 300 मिलियन यूरो मतलब करीब 2500 करोड़ रुपए भेजने का दावा किया, अमेरिका ने 600 मिलियन डॉलर मतलब करीब 4500 करोड़ रुपए भेजने का ऐलान किया। यानी लड़ाई में रूस के सामने भले ही अमेरिका या नेटो की फौज ना हो लेकिन जंग लड़ने में यूक्रेन अकेला बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि रूस की तरफ से न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट किए जाने की खबरें भी आती रही हैं। मतलब ये कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता पर छिड़ा विवाद इतना बड़ा हो चुका है कि तीसरा विश्व युद्ध बहुत करीब दिखने लगा है। हालांकि इतिहास ये कहता है कि पहले भी विश्व युद्ध छोटी घटनाओं से ही शुरू हुए थे। मसलन पहले विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई एक छोटी सी घटना से हुई थी। ऑस्ट्रिया हंगरी उस वक्त एक साम्राज्य होता था जिसके उत्तराधिकारी मतलब युवराज की हत्या हो गई थी। इस घटना पर ऐसा बवाल हुआ कि दुनिया दो गुटों में बट गई और विश्व युद्ध छिड़ गया जो 4 साल तक चला। इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध का भी कोई बड़ा कारण नहीं था। पहले विश्व युद्ध के बाद एक समझौता हुआ था, या यूं कहें कि कुछ पाबंदियां जर्मनी पर लगी थी। हिटलर ने उस वर्साय संधि के नाम के उस समझौते को तोड़ दिया और विश्व युद्ध छिड़ गया। अब तो दुनिया में पहले से एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है और पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई साफ दिखने भी लगी है।